लेकिन यही है कि बीजेपी फिर से बैक टू स्टेप हो चुकी है, जो कार्यकर्ताओं में कभी देखी गई थी, संगठन दो थोड़ा मजबूत कमजोर हुआ था विधानसभा में, उसको और मजबूत करने के लिए आगामी चुनाव के लिए ही बीजेपी कार्य समिति की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए अगले खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। हिमाचल में देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है। शुरुआती रुझानों में कमलेश ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह से पीछे चल रही हैं। तो अगर हमीरपुर की बात कर ली जाए तो हमीरपुर से कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। और उधर अगर पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से बात करें तो आपके उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे चल रहे हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला, उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ मंगलौर, पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट, हिमाचल में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रवंडी, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मरवाड़ा सीट पर मतगणना फिलहाल चल रही है। कहीं बीजेपी, वहीं पंजाब की बात करें तो आप, और कहीं पर विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस आगे चल रही है।